विधायक शिवपाल सिंह यादव निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि अधिकारियों पर यूपी सरकार का जोर नहीं रहा, बल्कि जब से योगी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार में तैनात अफसरों को बेईमान बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। औरैया जिले के विधुना नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की साली कल्पना गुप्ता के समर्थन में पहुंचे। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार में बेईमानी बढ़ी है, मुख्यमंत्री का अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं रह गया है, जिससे अधिकारी बेईमानी होने के साथ साथ बिना पैसे लिए कोई बात नहीं सुनते। शिवपाल यादव का कहना था कि थाना तहसील से लेकर हर जगह अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जबकि सपा सरकार में बेईमानी को रोक दिया गया था। कल्पना गुप्ता को जिताने की अपील करने आए शिवपाल यादव के कार्यक्रम के बाद विधुना में सपा में गुटबाजी साफ नजर आने लगी है। आपको बता दें कि सपा ने यहाँ से ललतू बाथम को नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और हमने तो देखा है कि हम लोगों ने जब चाहा तब सरकार बना ली। 2003 में कोई उम्मीद नहीं थी सरकार बनाने, तब भी हम लोगों ने जोड़ तोड़ करके सरकार को बना लिया था। अब आपने देखा कि 8-9 महीना हो गए हैं, बहुत आश्वासन दिए गए थे, लेकिन वो आश्वासन अभी तक एक भी सच्चा नहीं हुआ। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका अधिकारियों पर कोई भी दबाव नहीं, इसकी वजह से बेईमानी भी है और बेईमानी के साथ साथ कोई काम हो ही नहीं रहा। जनता को कोई सुविधा 8 महीने में मिल नहीं रही, तो दिक्कतें हुई है। नोटबंदी से दिक्कत हुई है और नोटबंदी से ज्यादा अब GST से दिक्कत हो रही है, और ज्यादातर छोटे दुकानदार को और हर आदमी को अब तो शायद कोई बचा नहीं है जिसे परेशानी GST से न हो। विधुना कस्बा के विकास के लिए हम कभी कसर नहीं रखी है। आपने देखा जब हम मंत्री थे तो 2-3 बार यहाँ हेलीकॉप्टर उतारा था, और इसलिए उतारा था कि मैंने सुना था कुछ अधिकारी और कर्मचारी बेईमानी कर रहे, लेकिन हमने उस बेईमानी को रोका था, लेकिन अब बेईमानी फिर से शुरू हो गई है। थानेदार तहसील थाने और ये सब बेईमानी पर उतारू हो गए और जनता की बात को बिना पैसे से सुनना नहीं चाहते। और ये से अरुण बाष्पे की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।